चाबी को पहले ऑन करते हैं और मीटर में देखते हैं सारा कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल बेहतरीन से सारा कुछ वर्क कर रहा है, फील्ड वाला भी काम कर रहा है और जो हमारा स्पीड मीटर वाला है वो सारा काम कर रहा है। तो पूरा कंप्लीट है स्पीड मीटर। आगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वीडियो को फुल देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास TVS की स्टार सिटी प्लस 110 सीसी बाइक है और इसको हमने कंप्लीट आगे से खोल दिया है, वाइजर वगैरह निकाल दिया है क्योंकि इसका जो स्पीड मीटर है पूरा कंप्लीट इसमें चेंज होने वाला है। तो देखो इसका जो वाइजर है, वाइजर यहाँ पे रखा हुआ है और जो इसका मीटर है कंप्लीट मीटर खराब हो चुका है। चाबी को ऑन करने के बाद भी कोई भी लाइट इसमें शो नहीं करती, पूरा मीटर खराब हो चुका है। तो नया मीटर मैं लेके आया हूँ जो TVS का जेन्युइन है। ये देखो TVS का जेन्युइन स्पीडो मीटर लेके आया हूँ। इसकी प्राइस वगैरह की बात भी आप लोगों से करेंगे। पहले जो पुराना वाला है, ये वाला पुराना वाला स्पीड मीटर को इस केसिंग से बाहर निकालते हैं, खोलते हैं मीटर को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर जो चार स्क्रू को खोल के मीटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे स्क्रू खुल गए, हमारा मीटर जो है बाहर आ गया है। ये पूरा का पूरा मीटर ही खराब है, एक भी लाइट ना जल रही ना तो कुछ चल रहा है। इसमें पूरा वाइट वाइट जैसा हो गया पूरा मीटर। ये देखो इसमें डिस्प्ले भी नहीं जल रही है, कुछ भी एक भी लाइट इस मीटर में नहीं जल रही। मैं इसे भी चेक कराऊंगा। और जो नया वाला है ये भी बिल्कुल न्यू है, TVS का जेन्युइन पार्ट्स है, बिल्कुल ओरिजिनल डाल रहा हूँ। तो ये है इसका नया वाला, नया स्पीड मीटर देख लो और पुराना देख लो, दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा रहेगा ही रहेगा फ़र्क तो, क्योंकि जो पुराना वाला पूरा वाइट हो चुका है और जो हमने नया लाया देखो पूरा सब कुछ दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। चलो बाहर थोड़ा सा लाइट में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं दोनों मीटर के बारे में। देखो इसमें एक जरा से भी लाइट नहीं जल रही, पूरा मीटर जो है वाइट हो गया है, ख़राब हो चुका है। तो इस वजह से चेंज हो रहा मीटर पूरा कम्प्लीट। तो और ये हमारा न्यू मीटर कम्प्लीट देख लो, सारा कुछ बिल्कुल जेन्युइन पार्ट से, ओरिजिनल पार्ट नंबर वगैरह यहाँ पे सारा कुछ लिखा होगा। और यहाँ पे जो ट्राइकॉल का स्पीड मीटर पूरा है और यहाँ पे जो सारा पार्ट वगैरह नंबर वगैरह सारा कुछ है। और ये जो 2022 की डेट, ये देखो 11/2/2022। बाकी चलो प्राइस की आप लोगों से बात करेंगे, वो आगे मैं बता दूंगा कहीं पर कितने का स्पीड मीटर हमारा पड़ा है। पहले इसे चेक करवा देते हैं आप लोगों को। तो चलो ये वाली जो पुराना वाला जो स्पीड मीटर है उसको पहले लगाते हैं। ये लगाया, इसका स्विच कपलर लगा दिया है। अब यहाँ पे हम चाबी को ऑन करते हैं। देखो चाबी को जैसे ही ऑन किया यहाँ पे मीटर में एक भी लाइट शो नहीं कर रही, पूरा का पूरा स्पीड मीटर डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो चलो चाबी ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये देखो एक भी लाइट शो नहीं कर रही, हॉर्न वगैरह बज रहा है। ये देखो बैटरी वगैरह है, ऐसा नहीं है बैटरी वगैरह है, लेकिन जो हमारा मीटर है मीटर पूरा का पूरा ही ख़राब हो चुका है। एक देखा आप लोगों ने, एक भी लाइट नहीं जली, चाबी ऑन किया ना तो कुछ मीटर में शो किया, ना डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं। तो चलो इसे अब साइड में रखते हैं, नया वाला जो स्पीड मीटर है इसे लगा के चेक करवा देते हैं, इसमें देख लेते हैं सारा कुछ वर्क कर रहा है या कुछ बंद है। तो यहाँ पर इस कपलर को लगाएंगे पहले मीटर में, चाबी को ऑफ रखेंगे और मीटर में कपलर को लगाएंगे, यहाँ पर अटैच करते हैं इसको। ये अटैच हो गया हमारा। अब यहाँ पे चलो चाबी को ऑन करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे अब सीधा चाबी को ऑन करते हैं। देखो चाबी को जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं सारा कुछ वर्क कर रहा है, सारा कुछ चल रहा है, कुछ इस तरीके से लगे गए, सारा कुछ चल रहा है, फ्यूल भी चल रहा है, हमारा स्पीड मीटर जो वो भी चल रहा है, न्यूट्रल लाइट भी जल रही है, इंडिकेटर वगैरह बाद में चेक करेंगे चालू है या नहीं, पहले हमारा यहाँ पर जो है मीटर सारा कुछ वर्क कर रहा है। तो इसे निकाल लेते हैं, चेक हो गया हमारा। ये देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको करना है फिटिंग। तो चलो इसको करते हैं फिटिंग, यहाँ से इसे कपलर को निकालते हैं, पहले इसे वाइजर में फिटिंग करते हैं। ये जो हमारी केसिंग है, केसिंग में बिठाते हैं, ये कुछ इस तरीके से बैठेगा, चार स्क्रू इसमें लगेंगे, चार स्क्रू पे ये टाइट रहता है। तो ये केसिंग में पहले तो हम बैठा लेंगे इसे खूब अच्छी तरीके से, उसके बाद चार स्क्रू ये हैं तो इन्हें लगा के मीटर को कम्प्लीट टाइट करते हैं। हमारा मीटर लग चुका है इस केसिंग में, टाइट हो चुका है पूरा मीटर। और अब वाइजर और ये मीटर दोनों अटैच करते हैं, यहाँ पे लगेगा। बाकी इसकी जो हेडलाइट है वो भी चेक कर लेते हैं, ख़राब तो नहीं है हेडलाइट बल्ब।
तो इसका मैंने हेडलाइट बल्ब निकाला, तो इसका ये जो बल्ब है एक पॉइंट उड़ा हुआ है हेडलाइट का, तो इसे भी नया चेंज करेंगे। नीचे वाला पॉइंट उड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग ख़राब है, तो ये बल्ब को भी नया डाल देंगे। चलो ये है फोनेक्स का बल्ब, इसकी प्राइस वगैरह देख लो, ये देखो, और इसे लगाते हैं। तो हेडलाइट का बल्ब भी हमने नया डाल दिया, अब दोनों को एक करना है। तो चलो दोनों वाइजर और वो जो मीटर एक कर लेते हैं। दोनों को हमने यहाँ पे फिटिंग कर लिया है, ये देखो टाइट कर लिया है, मीटर और जो मीटर का केस था और जो हमारा वाइजर था, और इसका इंडिकेटर भी नया पड़ा है, इंडिकेटर भी ख़राब था। बाकी चलो इसे लगाते हैं बाइक में, बाइक को कंप्लीट कर लेते हैं और चेक भी करना पड़ेगा, तो चलो लगाते हैं पहले। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूरी बाइक को क्यों खोल दिया, टैंक वगैरह सारा कुछ मैंने खोल दिया इस वजह से कि इसका इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा था, एक भी इंडिकेटर चल नहीं रहे थे, तो इसका मैंने फ्लैशर चेंज कर दिया। फ्लैशर चेंज करके देखा तो एक साइड का जल रहा है, दूसरे साइड का फिर भी नहीं जल रहा। ये वाला फ्लैशर नया डाल दिया, फिर भी एक साइड का जल रहा था, दूसरे साइड का नहीं चल रहा था। ये देखो लेफ्ट का चल रहा था, राइट का नहीं चल रहा था। तो अभी तो मैंने राइट का सही कर दिया, चलने लगा है, ये देखो राइट का काम करने लगा है। यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है, पहले तो ये भी नहीं शो कर रहा था, लाइट भी चलने लगी। अब प्रॉब्लम कहाँ से थी, देखो यहाँ पे मैंने पूरी वायरिंग को फाड़ा है, ये वायर मुझे कट मिली थी, जो इंडिकेटर की राइट साइड की वायर थी वो कट थी। यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं इस वायर को निकालूंगा, इस वायर को अलग कर दूंगा, तो यहाँ पे मीटर में लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। ये देखो ये, तो ये वायर टूटी हुई थी, तो एक वायर तो हमने इसको जैसे ही जोड़ा तो लाइट हमारी ब्लिंक कर रही मीटर में, तो चलो इसे जॉइंट कर लेते हैं। बाकी अब जो राइट साइड का इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था, ये हमने तो सही कर दिया, मीटर में लाइट आने लगी। अब राइट साइड का जो नहीं जल रहा था उसकी भी वायर टूटी हुई थी, यहाँ से देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये मैंने जॉइंट किया है, ये वायर टूटी हुई थी यहाँ से दो जगह से। तो इतना सारा करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वायरिंग वगैरह करने में, पूरा समझने में। बाकी हमारी वायरिंग सही हो गई, टेप वगैरह मार के कंप्लीट कर लेते हैं, इंडिकेटर भी चालू हो गए। सारी वायरिंग में टेप मारते हैं और बाइक को फुल्ली कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैंने बाइक को कंप्लीट फिटिंग कर लिया, टैंक सीट पैनल वगैरह सारा कुछ मैंने फिटिंग कर दिया है। मीटर तो मैंने पहले फिटिंग कर दिया था, वाइजर वगैरह भी फिट हो गया। अब देखो इसका मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मीटर दिखा देता हूँ, मीटर का प्राइस दिखा देता हूँ। मीटर हमने दिखाई दिया, प्राइस दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल जेन्युइन पार्ट से, यहाँ पे स्कैन आप लोग कर सकते हो, और यहाँ पे देखो पार्ट नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, और इसकी जो प्राइस है 3795 रुपये इसकी प्राइस है स्पीडोमीटर की, और 6/2022 का ये बना हुआ है। तो यहाँ पे सारा जो है कंपनी का लिखा हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू हमारा स्पीड मीटर की प्राइस 3700-3800 रुपये। पुराना वाला था वो तो पूरा डेड ही हो चुका है भाई, उसको तो कुछ बोले ही मत, वो डेड हो चुका है। बाकी चलो एक बार स्पीड मीटर आप लोगों को दिखा देते, चाबी को ऑन कर रही है, ये देखो सारा कुछ वर्क कर रहा है, इंडिकेटर भी चल रहा है, ये देखो राइट का कर रहे हैं तो राइट का भी चल रहा है, लेफ्ट का कर रहे हैं लेफ्ट का भी चल रहा है, न्यूट्रल लाइट भी चल रही है। और अब जो इसकी हेडलाइट, हेडलाइट बचती है, मैंने हेडलाइट बल्ब नया डाला था। तो चलो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हेडलाइट को ऑन कर लेते हैं। अब हमारी हेडलाइट भी जल रही है, ये देखो मीटर में भी लाइट शो कर रही है, हेडलाइट जैसे ही चालू करते हैं अपर डिपर भी काम कर रहा है और मीटर में भी लाइट जल रही है, डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ वर्क कर रहा है, ये देखो सारा कुछ वर्क कर रहा है। तो चलो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों का जो स्पीड मीटर की प्राइस थी वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।